पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हर संगठन के अंदर लाना आवश्यक है। हम सब चाहते हैं कि सब लोग शांति से रहे, अमन के साथ रहे। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दिए गए बयान पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कंगना रनौत के बयान को मानसिक दिवालियापन करार देते हुए कहा कि वह बिना तथ्य और तर्क के अंतर्गत बयानबाजी कर रही हैं। विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा कि अगर कंगना ने अपने बयान के लिए सोनिया गांधी से माफी नहीं मांगी तो उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कंगना अपनी फिल्म के सेंसर बोर्ड द्वारा रोके जाने के कारण इन दिनों घर में बैठी हैं और ऐसे समय में वह निराधार आरोप लगा रही हैं। मंत्री ने कंगना को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके पास अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत है तो उसे सार्वजनिक करें। अगर वह ऐसा नहीं कर सकती तो उन्हें तुरंत सोनिया गांधी से माफी मांगनी चाहिए। इस विवाद में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी कंगना पर हमला बोला। उन्होंने कंगना के बयान को पूरी तरह से निराधार बताया और कहा कि कोई कैसे सोच सकता है कि राज्य को केंद्र से मिल रही सहायता या कर्ज सोनिया गांधी के खाते में जा रहा हो। यह बयान कंगना की मानसिकता और राजनीतिक समझ को दर्शाता है। मूल विवाद तब शुरू हुआ जब कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार द्वारा लिया गया कर्ज सोनिया गांधी की झोली में जा रहा है और इससे राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। कंगना ने राज्य की वित्तीय दुर्दशा का ठिकाना कांग्रेस पर फोड़ा और कहा कि इससे हिमाचल के बच्चों का भविष्य खतरे में है। इस पूरे विवाद से हिमाचल की राजनीति गर्मा गई है, जहां कांग्रेस के नेता कंगना के बयान को बेबुनियाद बताते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं कंगना का बयान सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। बिना तथ्य, बिना आधार के ये बातें लगाने, इस तरीके का आरोप लगाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या होगी। सोच सकता है कोई कि जो दिल्ली सरकार पैसा दे रही है हिमाचल प्रदेश के लिए पैसा, वो सोनिया गांधी के खाते में जाएगा? बेमतलब की बातें इस तरीके से उछाली जा रही है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है और उनकी सोच क्या है। मैंने ये कहा है कि जिस तरीके का एक माहौल हिमाचल प्रदेश के अंदर बना हुआ है, हम सब चाहते हैं कि सब लोग शांति से रहे, अमन के साथ रहे, भाईचारे में रहे और प्रेम के साथ रहे। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है और बार बार मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं कि सरकार की आंतरिक, प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हम सब की दायित्व बनता है। मगर जिस तरीके के सवाल बारी बारी जमीन एलोकेशन के ऊपर उठ रहे हैं, बारी बारी प्रदेश के लोग इस विषय को उठा रहे हैं, तो हमने ये कहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ हर संगठन में, हर ट्रस्ट में, हर जो है रिलीजियस बॉडीज के अंदर जो है बदलाव और रिफॉर्म्स आने चाहिए। मुझे आज भी याद है जब मेरे पिताजी वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय भीमा काली ट्रस्ट मंदिर, ये हमारी निजी संपत्ति थी और इसमें मंदिर ही नहीं, मंदिर के साथ कम से कम 10 और मंदिर आते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने 1984 में, उसके बाद उन्होंने इस पूरे ट्रस्ट को सरकारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाया, इसमें पारदर्शिता लाई, इसमें जो है बकायदा ऑडिटिंग इसकी हो, अकाउंट्स की ऑडिटिंग हो, कितनी जमीन है उसकी ऑडिटिंग हो, इस चीज को लाया गया ताकि उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आए। इसलिए आज जिस तरीके के कई प्रश्न हिमाचल प्रदेश के अंदर उठ रहे हैं, पहले शिमला के अंदर उठा, उसके बाद मंडी में वो चीज हुई, उसके बाद पिछले कल शिलाई के अंदर भी ये चीज देखने को मिली, कांगड़ा में देखने को मिली, कुल्लू में देखने को मिली। इसलिए हमको पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हर संगठन के अंदर लाना आवश्यक है। वैसे ही वक्फ बोर्ड के अंदर भी आने वाले समय में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, कितना उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही है, कितना उनका जमीन का लैंड बैंक है, लैंड पूल है, किसकी उसकी एलोकेशन कैसे हो रही है, उसका एक लोगों के बीच में वो आना चाहिए ताकि जो एक अभी मिस्ट्रस्ट का माहौल बना हुआ है उसको ठीक किया जाए और सब भाईचारे में आपस में एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करे, ये हमारा दायित्व बनता है। और उस मंशा से मैंने ये बात की है कि समय के साथ तब्दीली होनी चाहिए और समय के साथ रिफॉर्म्स जो है, जिसको कहते हैं सुधारीकरण, समय के साथ हर संगठन के अंदर होना चाहिए, हर ट्रस्ट के अंदर होना चाहिए।
और वकफ बोर्ड भी उसमें उसके अंदर भी होना चाहिए।